लाइव है ले लीजिए। चल तब जी कैसा लगा ये जगह? अच्छा है, बहुत अच्छा है। बढ़िया ना? आओ इतना क्या मुस्कुरा रही हो? शादी को 6 महीने हो गए हमारे और आज जाके आपके साथ अकेले मौका मिल रहा रहने का, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा। खैर यकीन तो हमको भी नहीं हो रहा है कि इतनी सुंदर बीवी मिली है हमको। अच्छा देखो जब तक सरकारी क्वार्टर नहीं मिलता है यही रहना पड़ेगा हमें। अरे अच्छा है, बहुत अच्छा है, बस 1-2 दिन में पूरा घर सेट कर देंगे हम। लेकिन अगर हमसे कोई मदद चाहिए ना तो तुम प्लीज़ आज ले लो, कहें से कि कल हमको ऑफिस जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑफिस में ना फ़ोन पे जवाब दे दे के हम एकदम थक गए हैं। सर आपको यहाँ फ़ोन करना है, सर मंत्रालय में फाइल पहुँचानी है, सर ये मेल करना है, एकदम थक गए हम, कल हम ऑफिस जाएंगे। हाँ लेकिन अगर तुमको कोई ज़रूरत होगा तो हम चपरासी भेज देंगे, उस सबसे काम करा लेना। कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपकी पत्नी हैं, आपके साथ यहाँ घर बसाने के लिए आए हैं, तो ये सारा जिम्मेदारी भी तो हमारा हुआ कि नहीं? कोई ज़रूरत नहीं किसी को भेजने का, हम सब कर लेंगे। अब आप चलिए जल्दी से फ्रेश हो जाइए, हम आपको तौलिया निकाल के दे देते हैं, इसी में रखे थे ना। बस आज भर हम लोग खाना बाहर से खा लेते हैं, कल से सब सेट हो जाएगा फिर घर पे। हाँ ये ठीक है। काजल अरे कान तोड़ दी, तुमको पता है कांच का टूटना कितना अशुभ होता है? अभी अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं और अभी अशुभ हो गया। अरे ये हम जानबूझ के थोड़े-थोड़े गलती से टूट गया है, हम अभी सफाई कर देते हैं। अरे बात सफाई की नहीं है, बात है शुभ अशुभ की। अब देखना हम लोग के साथ ना पक्का कुछ ना कुछ अशुभ होगा यहाँ पे। हाँ बोले जा रहे हैं, अभी सफाई करते रहना। हाँ बाबू प्रणाम। हाँ हम लोग अभी पहुंचे हैं, हमको ये बताइए आप लोग ठीक है ना? तबीयत ठीक है, बुखार वुखार तो नहीं आया? अरे कैसे चिंता नहीं करें, यहाँ घर में घुसते ही अनर्थ हो गया। अरे कांच का ग्लास फोड़ दिया है। हाँ हाँ बाबूजी साफ करवा लेंगे, लेकिन आप लोग अपना ध्यान रखिएगा ठीक ना। हाँ माँ को आज एकदम टाइम से दवा दे दीजिएगा। हाँ आज भर ख्याल रखना होगा ठीक ना। अभी तो पैनिक काहे के लिए हो रहे हैं? अरे कांच टूट गया कहती हो, पैनिक काहे के लिए हो रहे हैं? हम अभी पढ़ा। हाँ हम लोग अभी पहुंचे हैं, ये बताइए कि आप लोग ठीक ठाक है ना? बुखार उखार नहीं आया ना? पापा ऑफिस गए हैं, एक बार फोन करके पूछे ना कि ठीक है कि नहीं। अरे वो घर में कांच का गिलास तोड़ दी है। हाँ हाँ हम साफ तो करा लेंगे, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा ठीक। प्रणाम। सफाई हो गई है बाबा, काहे के लिए आप इतना घबरा रहे हैं? फिर वही बात, एक तो कांच तोड़ दी हो, ऊपर से कह रही हो काहे घबरा रहे हैं, काहे पैनिक हो रहे हैं। अरे तुमको नहीं पता कि कितना अशुभ है बाहर जाने का प्लान कैंसिल, बाहर जाते ही कुछ अशुभ हो गया तो? अरे क्या बोले जा रहे हैं आप, अंधविश्वासी हैं क्या? अंधविश्वासी इन्हीं मान्यताओं के साथ हम पले बड़े हैं, इतना बड़ा नौकरी मिला है हमको, वरना जिस गरीबी में रहते थे ना कॉलेज का मुंह देखना भी नसीब नहीं होता है। देखो मान्यताओं का अंधविश्वास क्या कि अपमान मत करो, बाहर जाना कैंसिल तो कैंसिल बस। तुम ऊपर सो, हम नीचे सोएंगे। अरे बस आज रात कैसे भी सुबह सुबह बीत जाए, पलंग पे सोए नींद में नीचे गिर गए सर और फट गया तब। क्या अजीब सा बात कर रहे हैं आप, आइए यहाँ पे आके सोइए, अभी घर का ठीक से सफाई भी नहीं हुआ है और कीड़ा मकोड़ा काट लिया तो, और अशुभ भी होना होगा तो हम भी तो पलंग पे सो रहे हैं, हम भी तो गिर सकते हैं पलंग से और हमारा सर फूट गया तो। अरे तुम शहर के लिए नहीं हो, हमको कुछ अगर चोट चाट लग गई तो कहाँ लेके हमको दौड़ोगी? अच्छा पहले ये बताओ घर पे बात हुआ, पापा से बात हुआ ना, सब लोग ठीक ठाक है ना, बुखार उखार तो नहीं किसी को? सब ठीक है, सब ठीक है। अच्छा ये बताओ कि तुमको बुखार तो नहीं है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ठीक है, हम आपके सामने बैठे हैं। थैंक गॉड तुमको बुखार नहीं है, लेकिन फिर भी आज रात ना बड़ा सावधानी से गुजारना पड़ेगा, बाथरूम का लाइट हम खुला छोड़ दिए हैं, तुम आराम से सो जाओ, कैसे कि अंधेरे में गिर पड़ गई तो मुसीबत हो जाएगा ना। सुनिए हम
आपके और आपकी इन मान्यताओं को प्रणाम करते हैं। हम भी आपके साथ नीचे ही सोएंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। अरे चादर और बिछवा दो। लाइए हम बिछा दें। बच्चिया लेकर आइए आप जाकर। सोइए जाके। क्या हुआ, किसको फोन लगा रहे हैं? अरे माँ बाबूजी को फोन कर ये पूछ ले सब ठीक ठाक तो है ना वहाँ पे। अरे वो लोग 8 बजे सो जाते हैं गांव में, काहे के लिए परेशान कर रहे हैं? अब आप भी सो जाइए। काजल, 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 क्या हो गया आप सुबह सुबह फिर आपको? ठीक हो ना तुम? हाँ बुखार उखार तो नहीं ना तुमको? माँ बाबूजी सब लोग ठीक है ना? सब ठीक है, माँ बाबूजी ठीक है, मम्मी पापा ठीक है, मैं ठीक हूँ, मुझे बुखार नहीं आया। और रही बात आपकी तो आप खुद ही बता दीजिए आप ठीक है कि? मैं ठीक हूँ, चलो अच्छा है कि सब लोग ठीक ठाक है। लेकिन देखो ये कांच वाँच का टूटना अब नहीं होना चाहिए। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि आप अपने आप अपनी मान्यताओं से इतने जुड़े हुए हैं। और अब नाश्ता रेडी है, आप फ्रेश होके आके करेंगे नाश्ता? आ जाइए। हेलो, हाँ हम पवन सिंह बोल रहे हैं। हाँ गाड़ी भेज दीजिए ना, 10 मिनट में निकलना है। हाँ ठीक है ठीक है। आई एम सॉरी काजल। सॉरी किस लिए? हमारी वजह से तुमको इतने लंबे सफर के बाद भी खाना बनाना पड़ गया। आपकी वजह से नहीं, आपके अंधविश्वासों की वजह से जिन्हें आप मान्यता का रूप दे चुके हैं। तुम फिर से? अरे कांच का टूटना अशुभ होता है। अब हमारे बुजुर्गों ने कहा है तो कुछ सोच समझ के कहा होगा ना, यूं ही तो नहीं बोल दिया होगा। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रही हूँ आपसे, किसी कारण की वजह से कहा होगा। कारण जानने की कोशिश कीजिए, वहम क्यों पाल रहे हैं आप? कांच टूटने से हमारे हाथ पैर कटने का खतरा हो सकता है, इसलिए अशुभ बोल के हमारे अंदर डर बैठाया गया। अगर कांच टूटने को ये कहा जाता कि वो शुभ है तो हमारे अंदर कभी डर ही नहीं बैठता। डर बैठाया गया है ताकि हम सावधानी से कांच की चीज़ों को इस्तेमाल करें। लेकिन अगर किसी कारण कांच टूट जाता है तो इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब मैं ऑफिस जाऊँ, शाम को मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। कोई ज़रूरत नहीं है मेरी चिंता में, ऑफिस से जल्दी आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से जाइए, ऑफिस का काम अच्छे से ख़त्म करके आइएगा। सो स्वीट ऑफ यू। अब बस एक ग्लास पानी दे दो मुझे, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। ठीक है, अभी लेकर आइए। ये लीजिए पानी। फिर कांच का ग्लास? हम तुमको बोले थे ना कांच का ग्लास टूट जाए तो शुभ होता है, हमको नहीं पीना। ये भी टूट गया ना तो कल की तरह आज का दिन भी गया।